गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्ट अवर न्यू सब्जेक्ट दैट इज बेल लॉगिंग। इन बेल लॉगिंग वी हैड स्टडीड व्हाट इज द यूज ऑफ बेल लॉगिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बेल लॉगिंग। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट एसपी लॉग। इन एसपी लॉग आई टोल्ड यू व्हाट इज द यूज ऑफ एसपी लॉग एंड कंप्लीट डिटेल्ड एनालाइज ऑफ एसपी लॉग। Some things rest in SP log that I had not told you. So in today class we have to complete that part of SP log. ठीक है, तो मैंने आपको नहीं है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल तक बता दिया था, मैंने नहीं है आपको इलेक्ट्रिक काइनेटिक पोटेंशियल तक बता दिया था। मतलब दो तरीके से आपका ESP जनरेट होता है ना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल में नहीं है, दो आते हैं आपके नहीं है, इलेक्ट्रो लिक्विड जंक्शन और इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन, तो ये मैंने दोनों बता दिए थे। दैट इज मैंने पहले आपको नहीं बेल लॉगिंग के बारे में बता दिया, फिर स्पॉन्टेनियस टूल के बारे में बता दिया था, फिर बताया था ईएसपी में दो आते हैं, दैट इज ईसी प्लस ईके। ठीक है, तो ईसी के बारे में बता दिया था, ईके के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नहीं है मैंने रिकॉर्ड कैसे करता है ये बता दिया था, इसकी यूनिट वगैरह किस में होती है ये बता दिया था, सोर्सेज ऑफ एस पी बता दिए थे, दो तरह के होते हैं। ठीक है, इनके लिए मतलब कंडीशंस बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले जो कल चीजें रह गई थी उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो, मैंने बताया था एसपी के बारे में कि एसपी होता है आपका नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल, मतलब जो हम टूल डालते हैं उसके द्वारा फॉर्मेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाती, सिंपली जो आपका फॉर्मेशन होता है उसमें नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल है, वो आपको नहीं है जो एसपी लॉग टूल डाला है आपने उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। इस टूल के द्वारा इस पर कोई छेड़खानी नहीं की जाती, तो एसपी लॉग पोटेंशियल क्या हो गया आपका कि नहीं है सेल्फ पोटेंशियल और स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल। देखो, इसके नाम में ही पता पड़ रहा है, सेल्फ पोटेंशियल मतलब खुद से जनरेट होने वाला, सेल्फ पोटेंशियल मतलब सेल्फ मतलब खुद से जनरेट होने वाला पोटेंशियल, दैट इज नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल। और दूसरा होता है आपका स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल। आपने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस पढ़ी होगी जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती थी, जो खुद से हो जाती थी अगर उनको उनके सूटेबल का प्रेशर टेम्परेचर या फिर और भी कई कंडीशन मिल जाए तो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि इसको हम स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि ये खुद से वो जनरेट होता है, टूल इस पर कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो इसके नाम से पता पड़ रहा है सेल्फ पोटेंशियल, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल और नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल। एक तो ये बात, दूसरी थी आपकी वन सेकंड, ठीक है, तो दूसरी बात थी कि जो हमने दूसरी बात थी आपकी कि जो हमने जो वैल्यू निकाली है वो आई थी एसपी की नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आई थी नेगेटिव। अब मैंने कहा था कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिस साइड होता है और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिस साइड होता है, तो ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू नेगेटिव आई थी तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे मिलके पॉजिटिव एसपी वैल्यू देंगे और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे नेगेटिव एसपी वैल्यू देंगे, मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में हो रहा है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, क्योंकि एसपी की वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये नहीं है आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दे देंगे एसपी की वैल्यू और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे। ये एसपी की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब आपका आरएमएफ ग्रेटर देन RWO, मतलब सैलिनिटी ऑफ MF मल्टीफिल्ट्रेट लेस देन ओ सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये होता है आपका जनरल केस, एक्चुअली में हमको यही मिलता है। ठीक है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये कंडीशन सही है, लेकिन जब नहीं है आरएमएफ लेस देन आरडब्ल्यू होगा, दैट इज सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ज्यादा होगी सैलिनिटी ऑफ वाटर फॉर्मेशन वाटर से, तो क्या होगा, जो हमने करंट की डायरेक्शन इस साइड में निकाली थी, फिर इस साइड में निकाली थी, फिर इस साइड में, तो पूरा सर्किट बनाता, ये उल्टी हो जाएगी, ये दिस साइड और दिस साइड, तो ये पूरी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एस पी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की जगह आएगी पॉजिटिव, कैसे आएगी, जैसे माइनस के लॉग आर एम एफ अपॉन आर डब्ल्यू, ये होता है। तो अगर आर एम एफ लेस देन आर डब्ल्यू से ये बन से छोटी हो गई, ये बन से छोटी हो गई, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पूरी लॉग की नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो एस पी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। जब एस पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव एस पी की वैल्यू आएगी इस कंडीशन में पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगी इस लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो एस पी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो रिफ्लेक्शन तो नेगेटिव पॉजिटिव राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स है, जो एस पी की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उस पर डिपेंड करती है। अगर एस पी की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये इस डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन नेगेटिव। अगर एस पी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, और जनरल केस आपका ये होता है, ना कि ये एक हाइपोथेटिकल केस हो गया जिसमें नहीं है सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ज्यादा है, सैलिनिटी ऑफ सैंड से तो आयंस का फ्लो इधर की साइड होगा, ठीक है। अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने कल बता रखी हैं, जो एक्स्ट्रा केस बन रहे थे वो मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं जनरल कंडीशन के लिए, जनरल कंडीशन क्या होगी, रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर, इसमें एस पी आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको जीरो से प्लॉट करूं तो ये इस साइड हो जाएगा नेगेटिव और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो देखो क्लीन सेल की वैल्यू इस पर आएंगी, ठीक है, और यूं मान लो फिर ये बढ़ता चला गया, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, ठीक है, और फिर ये सडनली डिक्रीज हो गया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करूं तो जीरो पे कौन आता है, क्लीन सेल, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा क्लीन सेल का, ठीक है। तो आपको ग्राफ से पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मेशन कहां पर प्रेजेंट है, तो जीरो जो वैल्यू दे रहा है वो आपका हो जाएगा क्लीन सेल का, जो जनरल केस है, ठीक है। देखो सेल की, क्लीन सेल की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल जनरेट करने की होती है जीरो, क्लीन सेल होता है जीरो, ठीक है, जनरल केस में। लेकिन ई क्लीन सेल जीरो मतलब या फिर तो सेल प्रेजेंट है और उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो है, या फिर सेल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो सेल प्रेजेंट नहीं है तो क्लीन सेल ये हो जाएगा क्लीन सेल सेंट प्रेजेंट है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि क्लीन सेल की वैल्यू कुछ एक्स दे दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो सेल बेस लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेल बेस लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो हर एक वैल्यू उसी अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लीन सेल की वैल्यू जनरल केस में होती है जीरो, क्योंकि सेल में परमिटिविटी कम होती है, परमिटिविटी कम होती है इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, करंट जनरेट नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो आपको कर्व से कैसे पता लगाओगे कि ये कौन सा फॉर्मेशन है, ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये क्लीन सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और क्लीन सेल होता है जीरो। ये मैक्सिमम दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लीन सेल, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। फिर ये जीरो दे रहा है, ये आप यहाँ पर मान लो, ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये एक ही लाइन पे आएंगे ना, तो ये फिर सेल आ गया, ठीक है। और ये कौन सा हो गया जिसमें ये ना तो सेल है क्लीन ना सैंड है क्लीन, तो ये मिक्सअप हो गया, तो ये हो गया सैली सैंड, मतलब यहाँ पर क्लीन सेल फॉर्मेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका क्लीन सैंड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लीन सेल फॉर्मेशन प्रेजेंट है, और ये ना तो क्लीन सेल पा रहा ना क्लीन सैंड पा रहा, तो ये इसमें सैंड और सेल दोनों प्रेजेंट है, तो सैली सैंड। देखो मैक्सिमम वैल्यू ये थी, ठीक है। अब ये वैल्यू कब घटेगी, जब इसका सेल कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो ये क्लीन सैंड, ये वैल्यू क्लीन सैंड थी लेकिन इसमें कुछ सेल का कंटेंट बढ़ गया, तो ये सेल बेस लाइन की तरफ शिफ्ट हो गई, और जितना बढ़ता जाएगा उतनी शिफ्ट होती जाएगी,
और जब जीरो इस पे लाइन बाई आएगी तो पूरा सेल ही हो गया, सेंट प्रियंट नहीं है। तो आप कर्व से पता लगा लोगे कि आपका नहीं है सेंट प्रियंट है कि सेल प्रियंट है कि सेल ही सेंट प्रियंट है। ठीक है, ये एसपी लॉक का कर्व आपके पास आ गया। ये किसके लिए है? जब आरएमएफ अपॉन आरडब्ल्यू के लिए। जब नहीं है आपकी नहीं है आरएमएफ लेस देन आरडब्ल्यू होगा तो नहीं है आपकी जो भी जितनी वैल्यू है इधर वो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आप उसके कर्व भी उसका कर्व भी बना सकते हो, लेकिन वो हाइपोथेटिकल केस है। हम नहीं है अपना यही केस लेके चलोगे ऊपर वाला, तो इसमें ये कर्व इस साइड आएगा और इससे आप नहीं फॉर्मेशन का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया कि ये कर्व से आप फॉर्मेशन कैसे पता लगाओगे। एसपी की मैंने नहीं वैल्यू नेगेटिव कब आएगी पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन और पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ये तो फिक्स रहता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो हमने कल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिक लिक्विड पढ़ लिया था, इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो आपका बचा था वो था इलेक्ट्रोकाइनेटिक। ठीक है, तो मैंने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जो होता है वो जनरली प्रियंट नहीं होता है। ठीक है, जनरली प्रियंट नहीं होता है, और उसकी और जो जहां पर प्रियंट होता है वो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल वो होता है डिप्लीटेड रिजर्वायर में। ठीक है, और इसकी वैल्यू लो होती है, मतलब बहुत ही लो होती है, नियरली जीरो। देखो ई के पहली तो प्रियंट, पहली बात तो हर रिजर्वायर में प्रियंट होता नहीं है। कहां पर प्रियंट होता है? डिप्लीटेड रिजर्वायर में। और इसकी जो वैल्यू टोटल पोटेंशियल में ईएसपी में जनरेट करके देगा वो सबसे कम देगा, नियरली जीरो होगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू नियरली जीरो होती है। तो कल हमने देखा था ई लिक्विड जंक्शन की वैल्यू माइनस पॉइंट 11.81 समथिंग आई थी, बाकी का ये ई मेम्ब्रेन की वैल्यू माइनस 58 समथिंग आई थी और बाकी का ये, और ये मैंने बता रहा हूं सबसे कम होती है। तो आपका ई एस पी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ई मेम्ब्रेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ई लिक्विड जंक्शन का सबसे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा बहुत होगा तो ई काइनेटिक पोटेंशियल का होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया कि आपका कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ई एस पी में। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो सुनो, जब कोई लिक्विड सॉल्यूशन कॉन्टेक्ट में आता है किसी सॉलिड सरफेस के तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, और जैसे ये मेरा बेलवोर है और ये तुम्हारी बाउंड्री है फॉर्मेशन की, यहाँ पे सेल प्रियंट है और यहाँ पे सेंट प्रियंट है। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड भर रहा है, तो ये लिक्विड आपका इस सॉलिड के इस सॉलिड बाउंड्री के प्रियंट में आया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा इन दोनों के एलोंग, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो डेफिनेशन तो ये हो गई। ठीक है, एक होता है जीटा पोटेंशियल। अब जीटा पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे मेरा ये फ्लूड है, ठीक है, अब इस पे किसी कारण से प्रेशर लगे तो अगर ये परमेबल फॉर्मेशन है तो ये इस फॉर्मेशन में इन्वेजन कर जाएगा, मतलब इसका सॉलिड पार्ट इसमें एंटर कर जाएगा। तो जब सॉलिड पार्ट जो लिक्विड पार्ट है वो एंटर कर जाएगा, तो जब लिक्विड पार्ट एंटर करेगा, जैसे इसमें से ये अगर जाली है मेरी सीवल है, अगर मैं इसमें से छान रहा हूं और इसमें से लिक्विड पार्ट निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉलिड पार्ट बचेगा, ऊपर जाली के सॉलिड पार्ट रह जाएगा। अगर ये परमिएबल फॉर्मेशन है तो इसमें से लिक्विड पार्ट एंटर कर गया तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है वो बचेगा, तो देख यहाँ पे बचेगा मड केक, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा मड केक, और जो आपका लिक्विड पार्ट है वो यहाँ पर बना देगा, वो लिक्विड पार्ट यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, और जो फॉर्मेशन फ्लूड है दैट इज फॉर्मेशन वाटर और हाइड्रोकार्बन वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये हो गया फॉर्मेशन वाटर, ये हो गया मड फिल्ट्रेट और ये हो गया मड केक। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, जब प्रेशर लगा है परमिएबल फॉर्मेशन, जैसे जाली समझ लो, इस बाउंड्री को जाली समझ लो, जाली में से लिक्विड चला गया और सॉलिड ऊपर ही रह गया, उसको बोल देंगे मड केक। ठीक है, तो ये हो गई मड केक बाउंड्री। ठीक है, और ये हो गया आपका मड फिल्ट्रेट और ये हो गया आपका फॉर्मेशन वाटर। ठीक है, तो अगर मैं जनरल केस में बात करूं तो ये हो जाएगा बल्क लिक्विड
ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं डिफ्यूज लेयर। क्यों? क्योंकि पहले यहां पर वाटर पेंट है फॉर्मेशन का, पर नहीं है जम नहीं है, अंदर मड फिल्ट्रेट आया तो उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, इस लेयर में डिफ्यूज हो गया आपका मड फिल्ट्रेट। और ये हो जाएगा जनरल केस की बात करूं फिक्स्ड लेयर। ठीक है तो ये हो गया फिक्स्ड लेयर, मड के मड फिल्ट्रेट हो गया आपका डिफ्यूज लेयर, और फॉर्मेशन फ्लूड हो गया आपका, फॉर्मेशन वाटर हो गया आपका बल्क लिक्विड, और जो ये है मड ड्रिलिंग मड ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ये हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है और जो इस पे प्रेशर लगाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कैसे लगेगा, प्रेशर लगेगा जब आपका पी हाइड्रोस्टेटिक ज्यादा हो पी फॉर्मेशन से, पी हाइड्रोस्टेटिक ज्यादा होगा पी फॉर्मेशन से तभी तो फ्लूड एंटर करेगा इसमें, यहां से प्रेशर ज्यादा है इसके कंपेरिजन में तो फ्लूड इसके में एंटर कर जाएगा, तो पी हाइड्रोस्टेटिक जनरेट ग्रेटर देन होता है पी फ्लूड से। वो कब होता है, वो आपका तब होता है जब ओवरबैलेंस ड्रिलिंग कर रहे हो, ओवरबैलेंस ड्रिलिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर ओवरबैलेंस ड्रिलिंग के कारण आपका डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट होगा वो आपका ग्रेटर देन 500 psi हो, जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो प्रेशर जो इसको अंदर जाने के लिए लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है तो मैं कह सकता हूं जब पी हाइड्रोस्टेटिक पी फॉर्मेशन से ज्यादा है तो फॉर्मेशन डिप्लीटेड है, डिप्लीटेड मतलब फॉर्मेशन का प्रेशर बहुत कम है कंपेरिजन टू हाइड्रोस्टेटिक मड, तो डिप्लीटेड है फॉर्मेशन। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्लीटेड रेयर वायर में मिलता है। ठीक है तो हम क्या पढ़ रहे थे, जीटा पोटेंशियल। अब जीटा पोटेंशियल में जनरल टर्म में समझूं तो फिक्स जीटा पोटेंशियल, अगर मैं जनरल टर्म में समझूं तो जीटा पोटेंशियल होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन बल्क लिक्विड पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन बाउंड्री ऑफ डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स लेयर। यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा इस बाउंड्री पे और इसके द्वारा पोटेंशियल जनरेट होगा उन दोनों के पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक है समझ गए ना, जो इस लेयर पे जो ये फिक्स्ड लेयर है मड के और जो आपके डिफ्यूज लेयर है मड फिल्ट्रेट, इसके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है मान लो एक्स, और जो इस फॉर्मेशन वाटर की वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा मान लो वाई, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। ठीक है तो जब नहीं है सॉल्यूशन पे प्रेशर लगता है, जो सॉलिड फॉर्मेशन सॉलिड के कांटेक्ट में है जब उस पे प्रेशर लगता है तो यहां से जो मूवेबल पार्ट है सॉल्यूशन का, मूवेबल पार्ट कौन सा है, लिक्विड पार्ट, तो जब इस सॉल्यूशन पे प्रेशर लगेगा तो मूवेबल पार्ट दैट इज योर लिक्विड पार्ट दैट इज योर मड फिल्ट्रेट वो मूव करेगा और एंटर कर देगा फॉर्मेशन में विद कैरिंग जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल इन दोनों के कारण है तो यहां से जीटा पोटेंशियल को भी वो जब ट्रेवल करेगा तो कैरी करता हुआ जाएगा। ठीक है उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जब आपका मड फिल्ट्रेट इस फॉर्मेशन में जाएगा तो आपका नहीं है एक क्या कहते हैं मड मतलब पोटेंशियल जनरेट होगा दैट इज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। नाम से ही पता पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो होगा आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन कौन सा मूव किया है, मड फिल्ट्रेट, तो इसको एक नाम और देते हैं इलेक्ट्रो फिल्ट्रेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन का मड फिल्ट्रेट का मड फिल्ट्रेट था उसका नहीं है इन्वेजन हुआ है तो उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो फिल्ट्रेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर स्टीमिंग पोटेंशियल। तो जनरल टर्म में मैंने समझा दिया आपको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है, जब सॉल्यूशन आपके सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है और उस पर प्रेशर लगता है, प्रेशर क्यों लगेगा, जब प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक फॉर्मेशन प्रेशर से ज्यादा हुआ तो ओवरवेलेंस कंडीशन ड्रिलिंग कंडीशन आ जाएगी दैट डीपी आपका डिफरेंशियल 500 psi से ज्यादा हुआ। और एक केस ये हो सकता है कि आपका फॉर्मेशन बहुत ही डिप्लीटेड हो जाए उसका प्रेशर बहुत कम है, तो
आपने प्रेशर लगेगा तो जो म्यूअल पार्ट है दैट इज मड फिल्टर, वो फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे मड फिल्टर। ये यहाँ पे एक नहीं है डिफ्यूज लेयर बनाएगा, ठीक है, और ये फॉर्मेशन वाटर बल्क लिक्विड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका मड के जो आपकी क्या कहते हैं फिक्स्ड लेयर बनाएगा, ठीक है। अब ये होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो मड फिल्ट्रेट है इस पे भी होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो नहीं है जो फ्लूड के मूवमेंट के द्वारा जीटा पोटेंशियल को कैरी करने के द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, ठीक है, वो यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। अब मैं नहीं अगर इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बात करूं, अगर मैं इसको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बात करूं तो देखना, देखो मेरा बेल बोर था, ये फ्लूड भर रहा था, ये सेल मान लो और ये सैंड मान लो, ठीक है, प्रेशर लगा क्योंकि या फिर डिप्लीटेड रिजर्वायर है या फिर ओवरवेलाइज ड्रिलिंग है, तो ये इसमें से फिल्ट्रेट मूव कर गया मड फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे मड की एक डिपॉजिट हो गई और यहाँ पे मड फिल्ट्रेट डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे फॉर्मेशन वाटर है, मड फिल्ट्रेट और मड केक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कर जाएगा तो वो एक मड वो सेल बेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, सेल बेड बाउंड्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है मड केक बाउंड्री, ठीक है। तो ये जनरल प्रोसेस होगी अपनी ड्यू टू डिप्लेटेड रिजर्वायर या फिर नहीं है ओवरवेलेंट ड्रिलिंग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब ये मूवमेंट करता है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको बोल देंगे काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो हमारा सिंपली बल्क लिक्विड की जगह आ गया फॉर्मेशन वाटर, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें डिफ्यूज लेयर की आ गया मड फिल्ट्रेट, और फिक्स्ड लेयर की आ गया मड केक और सेल बेड, ठीक है। अब देखो, अब ठीक है, ये हो गया, ये बता दिया मैंने, ये प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन ये बता दिया, ठीक है। अब ई के जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है वो जनरेट कहां कहां पर नहीं होगा, तो देखो जब जीरो कहां कहां पर होगा, जब डिप्लेटेड रिजर्वायर होगा, डिप्लेटेड रिजर्वायर पीएनट नहीं होगा, साथ की साथ देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो एक पोटेंशियल यहां पर जनरेट होगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मड केक पोटेंशियल, ठीक है, और एक यहां पे मड फिल्ट्रेट इन्वेड होगा तो यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको बोलेंगे क्लीन मतलब सेल बेड पोटेंशियल, ठीक है, सेल बेड की वजह से और मड केक की वजह से, ठीक है। तो जो सेल बेड होती है, जो आपकी नहीं है मड केक होती है और सेल बेड होती है, तो सेल में हमने देखा था ये खाली Na प्लस आयंस को मूव करेगी, Cl माइनस आयंस को मूव नहीं करेगी, तो यहाँ से कौन कौन से आयंस मूव हो रहे हैं Na प्लस आयंस, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिमिलरली मड केक है वो Na प्लस आयंस को मूव करेगा, आपके नेगेटिव आयंस को मूव नहीं करेगा, तो इधर भी पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। जो जो फॉर्मेशन खाली पॉजिटिव आयन को मूव करता है और नेगेटिव आयंस को मूव नहीं करता, ऐसे फॉर्मेशन का एक नाम होता है, वो नाम होता है एन आई, इस ऐसे फॉर्मेशन को कहते हैं एन आयनिकली परम सिलेक्टिव, एन आयनिकली परम सिलेक्टिव फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो फॉर्मेशन आपके नहीं है नेगेटिव आयंस को एन आयन फॉर्मेशन को मूव ना करे, मतलब जो आपके नेगेटिव आयंस को मूव ना करे उन फॉर्मेशन को बोलेंगे Na की परम सिलेक्टिव फॉर्मेशन। तो यहाँ से सिर्फ Na प्लस मूव होगा, तो यहाँ से प्लस चार्ज मूव हो रहा है तो पॉजिटिव आ गया। ये उसी तरीके से है जैसे कि इसमें यहाँ से आपका नहीं है खाली नहीं है पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा था सेल से, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया था और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ले लिया था, ये उसी तरीके से है जो मैं आपको कल अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो करेंट, अब करेंट, ये करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
करंट कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब पोटेंशियल जे यहां से एन ए प्लस आयंस मूव कर रहे हैं तो एक करंट जनरेट होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब बेलवोर से करंट आपके फॉर्मेशन में जाएगी। तो एक करंट तो नहीं है इस फॉर्मेशन, इसकी वजह से आएगी, और एक करंट इसकी वजह से आएगी। ठीक है, दोनों करंट आपके फॉर्मेशन में जाएंगे और इन दोनों करंट की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट इज बैटरी बन गई। देखो ऊपर वाली बैटरी को बनाओ तो ये ऐसा साइन आएगा, नीचे वाली बैटरी को बनाओ तो ऐसा साइन आएगा, तो एक सर्किट बन गया। ठीक है, तो इन दोनों करंट के मूव होने से पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रो सेल बेड बाउंड्री की वजह से और इलेक्ट्रोस्टेटिक मड केक बाउंड्री की वजह से। ठीक है, अब देखो कि करंट मेरी अंदर की साइड मूव हो रही है, याद रखना ऐसे फॉर्मेशन में बोलते हैं एनआईलेक्ट्रिक परम सिलेक्टिव, और जो करंट आपकी इनवर्ड मूव हो रही है, क्योंकि एन ए प्लस आयंस मूव कर रहे हैं, हमने देख चुके हैं जब एन ए प्लस आयंस मूव करते हैं तो उधर की साइड पॉजिटिव आ जाता है, इधर की साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका सर्किट बन गया। तो जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है वो आपके दो तरह के पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज सेल बेड बाउंड्री पोटेंशियल और आपका मड केक बाउंड्री पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहां से करंट फ्लो होगी और यहां से करंट फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो टोटल काइनेटिक पोटेंशियल आएगा वो ई क्ली मड केक बाउंड्री माइनस ई सेल बेड बाउंड्री आएगा, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। ठीक है, और एक और बात इसमें, जो मड केक के द्वारा जो पोटेंशियल आएगा वो आपका हमेशा सेल बेड के ज्यादा होगा, मड केक के द्वारा जो पोटेंशियल आएगा वो सेल बेड बाउंड्री के द्वारा लगाया हुआ पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है आपकी क्लीन सैंड में नहीं है, आयंस जल्दी मूव करेंगे, अच्छे मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी है, परमेबिलिटी है, और इसमें सेल में तो सेल में ज्यादा आयंस मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो कम होगा यहाँ के कंपेरिजन में। तो ई के इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल दोनों का समेशन है, और दोनों का समेशन है ये, तो ये ज्यादा होता है ये कम होता है ये बता दिया, और इसकी जब वैल्यू आएंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, और जब नहीं है ओवर बैलेंस कंडीशन ज्यादा होगी, दैट इज 500 से PSI से डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा होगा या फिर डिप्लेटेड रिजर्वायर ज्यादा होगा, तो ये भी बढ़ जाएगा और ये थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो इससे कुछ वैल्यू आ सकती है, तो ये बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन करेगा। तो एक तो आपका नहीं है, जब डिप्लेटेड रिजर्वायर होगा, डिप्लेटेड रिजर्वायर नहीं होगा तो ई के जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आपका एक ई के जब कब जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ई के क्यों नहीं जनरेट होगा, क्योंकि जो दो पोटेंशियल मिलकर ई के बनाते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, और वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ई के की वैल्यू इसलिए जनरेट नहीं होगी क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया, और एक ई के डिप्लेटेड रिजर्वायर में होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आयंस मूव करेंगे एन ए प्लस आयंस मड फिल्टरेट अंदर चलाएगा, एन ए प्लस आयंस मूव करेंगे वैसी वैसी ये मड केक बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन पे ऐसा आएगा कि इस मड केक से आपका पोटेंशियल पास होना, आयंस पास होना मुश्किल हो जाएंगे, तो उस केस में नहीं है आपका, फिर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, नियरली जीरो हो जाएगा। तो पहला होगा डिप्लेटेड रिजर्वायर पे एंड नहीं होगा तो नहीं होगा, अंडर बैलेंस कंडीशन होगी तो नहीं होगा, आपके ये दोनों आपस में नहीं है एक दूसरे को काट देते हैं तो इसकी वैल्यू नियरली जीरो आती है, और एक आपका नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मड केक, इसकी वैल्यू टाइम के साथ और भी कम होती जाती है, तो इन तीनों कारणों की वजह से इसकी वैल्यू आती है आपकी लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल मैंने बता दिया क्या होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैसे होता है, और ये किन दोनों चीजों से बना होता है, डेटे मड केक पे पोटेंशियल और ये इस केक पे सेल बाउंड्री पर पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है कि नहीं, ये पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं क्योंकि एनायनिक परम सिलेक्टिव फॉर्मेशन है, तो पॉजिटिव इधर होगा नेगेटिव इधर होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन उसकी होती है आपकी करंट की, तो करंट इनवर्ट जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है, अब इसमें क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे
जैसे जैसे आपका नहीं है, मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ता जाएगा, मूवमेंट ऑफ ड्रिलिंग मड आयंस बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे ई के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये मूवमेंट ऑफ आयंस कब बढ़ेगा, जब पी एच ग्रेटर देन पी के होगा, दैट इज ओवरबैलेंस कंडीशन होगी, या फिर नहीं है डिफरेंशियल प्रेशर 500 पीएसआई से ज्यादा होगा। ठीक है, मड आयनिक, मड के का आपका एनायनिक परमिट सिलेक्टिव होता है, सो एनए प्लस आयंस मूव करेगा ओनली, ये सेल बेड है तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, क्योंकि एनए प्लस आयंस मूव करेगा ऐसी ऊपर सेल के लिए हो जाएगा, ये मड के लिए हो जाएगा, इससे सेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब करंट कहां पर जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस करंट के द्वारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की डायरेक्ट, अब इन दोनों से बैटरी बनेगी, उन दोनों की करंट का फ्लो एक एक ही साइड होगा, तो ई के दोनों के सम्मेशन होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई मड केक बाउंड्री माइनस ई सेल बेड बाउंड्री, तो इन दोनों की वैल्यू घटी आएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगी, दोनों बराबर से ही होते हैं। ठीक है, ज्यादा कब होते हैं, जब डिप्लेटरी रिजर्व वगैरह तब होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। फिर आता है आपका, देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, लेकिन जो आयंस मूव कर रहे हैं मड केक से, वो कैरी कर रहे हैं जीटा पोटेंशियल को, तो इसमें क्या है, करंट तो इनवर्ड फ्लो होगी लेकिन पोटेंशियल आपका आउट चेंज हो जाएगा, मतलब करंट तो इनवर्ड फ्लो हो रही है लेकिन डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल दिस हो जाएगी। सो उसमें क्या है, ओरिजिनल साइन इसके ऐसे आते हैं, इधर की साइड नेगेटिव होता है, इधर की साइड पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये यहां से जीटा पोटेंशियल, देखो ओरिजिनली तो ये आएगा, ठीक है, जब आयंस मूव करेंगे तो वो जीटा पोटेंशियल जो इधर जनरेट हो रहा था बल्क लिक्विड और उसके बीच में, उसको कैरी करते हुए चलेगा, तो ओवरऑल आयंस की कंसंट्रेशन उन दोनों के द्वारा, जीटा पोटेंशियल के द्वारा और इसके द्वारा ये हो जाएगी, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, और भले ही ये चार्ज आ रहा है लेकिन करंट इनवर्ड ही मूव करेगी। देखो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी ना जाती है करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, लेकिन हमने यहाँ से देख लिया कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई और आपकी नहीं है पोटेंशियल ऐसे जनरेट हुआ है, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, तो इसमें जो ई के द्वारा पोटेंशियल जनरेट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ओरिजिनल इसके द्वारा और जीटा पोटेंशियल के द्वारा साइन का क्या कहते हैं, साइन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, ठीक है, इस केस में, और करंट तो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, क्योंकि नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जाननी चाहिए करंट, तो करंट नेगेटिव, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू काइनेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा, तो ई के द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होगा ई सी के ई के वो होगा नेगेटिव। ठीक है, अब नाम मैंने बताई दिया कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रो फिल्ट्रेशन, मतलब जो आपके एन ए प्लस आयन से उनका मड फिल्ट्रेट हो रहा है, मड में से मड फिल्ट्रेट इन्वेट कर रहा है फॉर्मेशन में, उसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसको नहीं है एक नाम वो भी दे देंगे, मड इलेक्ट्रो फिल्ट्रेशन और एक स्टीमिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ई एम की वैल्यू ज्यादा होती है ई के लिक्विड जंक्शन से और ई काइनेटिक से। अब ई काइनेटिक को भी देखूं तो ई क्या कहते हैं मड के बाउंड्री की ज्यादा होती है ई सेल बेड बाउंड्री से। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल हो गया, तो जो टोटल एस पी आएगा वो आएगा ई सी प्लस ई के, ई सी आपका किसकी वजह से आएगा ई मेम्ब्रेन प्लस ई लिक्विड जंक्शन, और ये किसकी वजह से आएगा ई क्या कहते हैं मड केक बाउंड्री माइनस ई सेल बेड बाउंड्री, और ये दोनों अपोजिट होते हैं इसलिए माइनस ले लिया, इन दोनों की वैल्यू नियरली जीरो होती है, तो बस इसकी वजह से आपका टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक पोटेंशियल मैंने बता दिया। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एस पी लॉग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एस पी लॉग, अब देखो
ये बताता है बेड बाउंड्री। मैंने कल बताया था ना कि यहां पर सेल फॉर्मेशन है, यहां पर सेंट फॉर्मेशन है, तो एसपी की वैल्यू पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। तो जहां पर बढ़ घट रही है वो पॉइंट कहलाएगा, जहां पर चेंज हो रही है वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो जहां जहां पर आपका ऐसे पहले बढ़ी फिर घटी वहां वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पर क्या रिप्रेजेंट करता है? बेड बाउंड्री। तो हम नहीं है एसपी की वैल्यू से बेड बाउंड्री का पता लगा सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड देखो, जैसे ये जीरो हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहां पर जो लाइन आएगी वो सेंड बेस लाइन आएगी, यहां पर जो लाइन आएगी वो सेल बेस लाइन आएगी। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं ई एस एस पी, और इसको बोल देते हैं इसके बीच में जो आता है दैट इज सेली सेंड, मतलब सेल भी प्रिंट होगा यहाँ पर सेंड भी प्रिंट होगा, तो इसको बोल देते हैं ई पी एस पी। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है? ई स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल। ठीक है, और ये आई है ई स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल। ठीक है, तो जनरली जो हमें जो वैल्यू मिलती है, जो हम टूल डालते हैं ना उस पर जो ई लॉग की वैल्यू मिलेगी, वो ई लॉग की वैल्यू बराबर देगी आपको ई एस पी, और वो किसका देगी? सेली सेंड का। इस बात को आप याद रखना कि जो ई लॉग से ई एस पी की वैल्यू मिली है वो हमेशा सेली सेंड की मिली है। मतलब फॉर्मेशन में आपके दोनों ही प्रिंट होंगे, सेंड भी प्रिंट होगा सेल भी प्रिंट होगा। तो जो हमने लॉगिंग के द्वारा एसपी लॉग के द्वारा लॉग पे जो एसपी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो सेली सेंड की आएगी। तो ये सेली सेंड का जोन है, यहाँ पे सेंड भी प्रिंट है सेल भी प्रिंट है। तो यहाँ पे जो ई एसपी की वैल्यू जो होगी वो कैसे मिलेगी? लॉग से। तो सेली सेंड की वैल्यू ई लॉग ने दी ई एसपी के फॉर्म में, और ये होती है ई पी एसपी के बराबर, और ये मैक्सिमम होता है तो ई एस पी की वैल्यू ई एस एस पी के बराबर हो जाती है। ये कब होता है? जब आपका ई क्लीन सेल की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, अगर ई क्लीन सेल की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो आपका ई एस एस पी हो जाएगा ई क्लीन सेंड माइनस ई क्लीन सेल। ठीक है, और ईपीएसपी हो जाएगा, ईपीएसपी और एसएसपी मैंने बता दिया है पहली क्लास में, दैट इज सूडो स्टैटिक पोटेंशियल और आपका सूडो एसपी पोटेंशियल, सूडो सेल पोटेंशियल और स्टैटिक सेल पोटेंशियल। ये मैक्सिमम होता है और ये सेली सेंड का होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल। ठीक है, तो मैंने यहां पर बताया था कि जो ई एस पी की वैल्यू ई लॉग पर मिलती है वो ई पी एस पी की, मतलब क्लीन सेली सेंड की मिलती है, और उसको बोल देते हैं ई पी एस पी, और जो मैक्सिमम मिलती है उसको बोलते हैं एस एस पी। ये कब होता है? जब क्लीन सेल की वैल्यू जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टेटिक ड्यू टू क्लीन सेल जीरो है। अगर जीरो नहीं है तो ई एस एस पी ये हो जाएगा ई क्लीन सेल। ठीक है, ये तीनों बराबर है, ई क्लीन सेल माइनस ई क्लीन सेंड माइनस ई क्लीन सेल, और ई पी एस पी की वैल्यू हो जाएगी ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल। और ई लॉग कहां से मिलता है? ई लॉग लॉग पे मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इनमें क्लीन सेल की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये जो ई एस एस पी है वो ई क्लीन सेल आएगी, ई एस एस पी है ई क्लीन सेल सेंड आएगी, और ई पी एस पी है वो ई लॉग आ जाएगा, ई पी एस पी है वो ई लॉग आ गया। तो ठीक है, आपको याद रखने की चीज क्या है कि जो हमें लॉग पे वैल्यू मिलती है, जो हम लॉग डालते हैं टूल डालते हैं उस पे, जैसे जो मैंने यहां पर टूल डाला इस पे, छोड़ो यार आगे बताता हूँ। जैसे मैंने टूल डाल दिया, और ये वोल्ट मीटर, और ये ग्राउंड की इलेक्ट्रोड, और ये बोवरोल, और ये फॉर्मेशन सेंड, और ये सेल। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है एसपी की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होता है, वो आपको
दैट इज ई लॉग पे जो वैल्यू मिलेगी, ई लॉग पर जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी सैली सेंड की, मतलब सेंड भी प्रिंट होगा सेल भी प्रिंट होगा। तो ई एस पी की वैल्यू ई लॉग पे जो मिलेगी वो सैली सेंड की मिलेगी, और इसको ई पी एस पी कह देते हैं, और ई क्लीन सेल को बोल देते हैं ई एस एस पी। ठीक है, अब ये कब होता है, जब क्लीन सेल का पोटेंशियल जीरो होता है। अगर क्लीन सेल का पोटेंशियल जीरो नहीं है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ये लॉग से निकाल लेंगे, ये क्लीन सेंड का हमको दे रखा होगा, और क्लीन सेल की अगर जीरो है तो ये सिंपली ई एस एस पी ई क्लीन सेल आ जाएगा, और ई पी एस पी आपका ई लॉग आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जनरली जीरो होता है, लेकिन हाइपोथेटिकल केस में इनकी वैल्यू दे रखी होती है, न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे 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 ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, मतलब यहां से ये क्लीन सेल्ड है, क्लीन सेंड है, और जैसे जैसे नहीं है इसमें सेल मिक्स होती जा रही है, ये आपकी ये इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है, तो आपका नहीं है जो पोटेंशियल है वो सेल बेस लाइन की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब हमारा नहीं है मोटिव क्या है कि हमको ये सैली जो हमको ई लॉग पे नहीं है ई एस पी की वैल्यू मिली है वो किसकी है, सैली सेंड की। तो हमें जो वैल्यू ई लॉग पे मिली है ई एस पी की, उस वो मिली है सैली सेंड की, तो हमें इस वैल्यू से पता लगाना है कि इसमें कितना सेल प्रिंट है और कितना सेंड प्रिंट है। हमें ई लॉग की वैल्यू, ई लॉग पे वैल्यू मिल गई ई एस पी की, अब उस वैल्यू से पता लगाना है कि उसमें कितना सेल प्रिंट है फॉर्मेशन में, कितना सेंड प्रिंट है, क्योंकि जो ई लॉग वैल्यू मिलती है वो किसकी मिलती है, ई सैली सेंड की। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सेल वन माइनस पी एस पी अपॉन एस एस पी। ठीक है, ये तो आएगा फ्रैक्शन में, अगर मैं इसको नहीं है परसेंटेज में निकालना चाहूंगा इसको कर दूंगा 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है तो 1 माइनस पी एस पी अपॉन एस एस पी इंटू 100। जो हमको ई लॉग पे वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है, ई एस पी की, किसकी मिली है, सैली सेंड की। अब हमें उस वैल्यू से पता लगाना है कि इस सैली सेंड में कितना सेल प्रिंट है, कितना सेंड प्रिंट है। अगर हम सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसमें से नहीं है वन में से माइनस कर देंगे तो सेंड का वॉल्यूम आ जाएगा, तो हमें सेल का वॉल्यूम निकालना है, सेल का वॉल्यूम आएगा इस फॉर्मूले से। अगर अगर जीरो पोटेंशियल है, क्लीन सेल का जीरो पोटेंशियल है, तो ई पी एस पी सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ई लॉग, तो इसमें ई लॉग की वैल्यू रख देंगे जो हमें लॉगिंग से मिली है, और एस एस पी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल दैट इज ई सेंड का। तो आपने वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल सकते हो। ये तो हो गया फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया है वो मैं आपको बताता हूं। इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखो सैली सेंड है, ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है, सैली सेंड है। ठीक है, अब तो मैं फॉर्मेशन को ऐसा मान लेता हूं, वैसे तो इसमें कहीं पे भी सेंड हो सकती है, कहीं पे भी सेल हो सकती है, कहीं पे भी सेंड हो सकती है, कहीं पे भी सेल हो सकती है, तो ये हो गई सैली सेंड। मैंने इसको सेपरेट कर लिया, तो मैंने ऊपर ले ली सेल क्लीन, क्योंकि इसमें सेंड प्रिंट नहीं है, और यहां पे ले ली क्लीन सेंड। ठीक है, अब इसका कुछ पोटेंशियल होगा वो मैं मान लेता हूं ई क्लीन सेल पोटेंशियल, और इसका होगा ई क्लीन, क्लीन के लिए सी यूज कर रहा हूं, और सेंड के लिए एस ए, और सेल के लिए एस एच। ठीक है, मान लो ये पूरा वॉल्यूम है वन, ठीक है, और वन में इसका वॉल्यूम है सेल का 20 सेल, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 20 सेल। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मेशन की जो हमें वैल्यू मिली है ई एस पी वो मिली है ई लॉग पर। ठीक है, तो ई लॉग देता है ई एस पी वैल्यू इस फॉर्मेशन की। तो ई एस पी को मैं ऐसे कर सकता हूं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना है सेल का इंटू उसकी
केमिकल पोटेंशियल, मतलब क्लीन सेल का पोटेंशियल, और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सैंड अपॉन ई क्लीन सैंड का पोटेंशियल। ये उसी तरीके से है, ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया और ये होगी वैल्यू। तो ये तो जितना जैसे कि जैसे कि मेरे पास ये इसमें इतनी गैस इसकी भर रही है, वन गैस भर रही है, इसमें टू गैस भर रही है, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट है 5 और इसका मॉलिकुलर वेट है 6, ठीक है। तो जो इसका टोटल मॉलिकुलर वेट आएगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और इस मान लो ये इसका 1 पार्ट है और ये इसका 9 पार्ट है, ठीक है। मतलब ये पूरा अगर 1 है, 1 वॉल्यूम है, तो ये 0.1 है, 0.9 है। तो जो टोटल इसका नहीं है मॉलिकुलर वेट आएगा, ये इंडिविजुअल मॉलिकुलर वेट है, लेकिन जो टोटल मॉलिकुलर वेट आएगा तो उसमें इसके द्वारा ज्यादा होगा और इसके द्वारा कम होगा कंट्रीब्यूशन। क्यों कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा? तो इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन ज्यादा है, 0.9 है, तो इसका 1 है। तो अब मैं इसका मॉलिकुलर वेट कैसे निकाल दूंगा? 0.9 इंटू 6 और 0.1 इंटू 5। तो ऐसे ही मैंने किया है कि इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम फ्रैक्शन इतना है, और इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन इतना है, और इनकी वैल्यू इतनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो जो ई लॉग की वैल्यू हमें मिली है वो हमको इसके बराबर मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर आपने 1 क्यों लिया, आप ले लो 10 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सेल अपॉन 10, ठीक है, क्योंकि बी सेल इसका वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया 10, और यहां पर भी ये 10 है पूरा। अगर बी सेल ये, तो ये 10 माइनस बी सेल हो जाएगा, तो ये 10 माइनस बी सेल और अपॉन में 10 आ जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो अगर ये इसका 1 पार्ट है और ये 9 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1/10, दैट इज 0.1, और ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये 1/10 हो जाएगा 0.1 बी सेल, ठीक है। तो 0.1 बी सेल हो गया। तो अगर मैं इसको बी सेल मान लेता हूँ 0.1 को, तो यहाँ पर भी 0.1 है, तो वो भी हो जाएगा 1 माइनस बी सेल, तो वही वैल्यू आ गई। चाहे 10 मान लो, चाहे 20 मान लो, चाहे कोई सी वैल्यू मान लो, मैंने यूनिट मान के कर लिया। तो सिंपली ये है कि मॉलिकुलर वेट इसका नहीं है 5 था, इसका 6 था, इसका 9 पार्ट था, इसका 1 पार्ट था, तो किसका कंट्रीब्यूशन टोटल में ज्यादा हुआ? इसका, क्योंकि इसका नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैंने वॉल्यूम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया इनटू उसका गैस का मॉलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई किया, फिर इसके वॉल्यूम फ्रैक्शन का इसके वेट का, और मॉलिकुलर वेट निकाल दिया। ऐसी मैंने जो ई लॉग पे वैल्यू मिली है वो पूरे की मिलेगी, और पूरे की वैल्यू जो ई लॉग पे ईएसपी की मिली है वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के कारण होगी। इसका कंट्रीब्यूशन इतना हुआ क्योंकि इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन इतना है, और इसका कंट्रीब्यूशन इतना हुआ क्योंकि इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन इतना है, ठीक है। अब इसको आगे लेके चले तो देखना कि ये क्या आ गया, ई लॉग वी सेल, अगर मैं यूनिटी के हिसाब से लेके चलूं, ई सी सेल क्लीन सेल और 1 माइनस बी सेल और ई सी सेंड। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सेल यहां से आप निकाल लोगे, तो ये बचेगा ई लॉग माइनस ई क्लीन सेंड और ई सेल, ई क्लीन सेल माइनस ई क्लीन सेंड, ठीक है, ये इतना बचेगा। अब मैं इसको, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई क्लीन सेंड माइनस ई क्लीन सेल, ठीक है, और माइनस में ई लॉग और माइनस में ई क्लीन सेंड, ठीक है। इस वैल्यू को ई लॉग माइनस ई क्लीन सेंड को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस आ जाएगा, और ये आपका नहीं है प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस कट जाएगा, तो ई लॉग माइनस ई लॉग और ई सी सेंड आ गया। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ई सी ई लॉग, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ई लॉग माइनस ई क्लीन सेंड आ गया, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो
ये वैल्यू टोटल कितनी हो, टोटल चेंज करूंगा तो ये माइनस में आ गया, तो मैं इसकी जगह पे इसको रख सकता हूँ, सिंपली माइनस ले लो, इस दर से माइनस ले लोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी ये बना के दे रही है, तो मैंने इस वैल्यू की जगह पे ये रख दिया। जब मैं और देखो इस वैल्यू की जगह पे मैं ये रख दूंगा, ठीक है, तो देखो ये कट जाएंगे तो ई लॉग माइनस में आ जाएगा, ई लॉग आपका माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है, और ई क्लीन सेल आपका प्लस में आ जाएगा। अब देखो ई क्लीन सेल माइनस ई क्लीन सेल क्या होता है आपका, एसएसपी, ठीक है, मैंने पहले बताया है, और ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल क्या होता है, ई पीएसपी, ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं एसएसपी माइनस पीएसपी और माइनस आगे यही आपका, ठीक है, और क्लीन सेल माइनस क्लीन सेंड, अगर मैं इस माइनस को इधर एंटर कर दूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ई क्लीन सेल माइनस ई क्लीन सेल क्या हो जाएगा, एसएसपी, ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा तो 1 माइनस पीएसपी अपॉन एसएसपी आ जाएगा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर अगर आपका क्लीन सेल की वैल्यू 0 है, क्लीन सेल की, आपकी क्लीन सेल की वैल्यू 0 है, तो सिंपली नहीं है आपकी, नहीं है, एसएसपी हो जाएगा ई क्लीन सेल और पीएसपी हो जाएगा ई लॉग, ठीक है, अगर 0 नहीं है तो आपको ये एसएसपी की वैल्यू लेनी पड़ेगी और ये पीएसपी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वॉल्यूम से कैसे नहीं है वो ड्राइव हुआ है, पूरा मिक्स था, मैंने एक सेंड को अलग कर लिया, सेल को अलग कर लिया, और इधर से नहीं है वॉल्यूम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके उनकी ओरिजिनल वैल्यू में ई लॉग की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो आपको नहीं है सेल का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल मिल जाएगी इस फॉर्मूले से, उस पर सवाल करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सेल मिल गई और वॉल्यूम ऑफ सेल आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या हो गया सेकेंड, कि आप इससे वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल सकते हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल सकते हो, मतलब डिग्री ऑफ सेलिनेस निकाल सकते हो कि कितने अमाउंट में सेल प्रेजेंट है। जैसे आपने नहीं है डिग्री ऑफ सेलिनेस कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास दो फॉर्मूले आ गए डिग्री ऑफ सेलिनेस निकालने के, दैट इज बी सेल इज इक्वल टू 1 माइनस पीएसपी अपॉन एसएसपी इनटू परसेंटेज में निकालोगे तो 100, ठीक है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ई लॉग जो मड फिल्ट्रेट का होता है, ई क्लीन सेल, ई सेल क्लीन सेल और ई क्लीन सेंड, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें भी आप 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेलिनेस कैसे निकालोगे कि ई लॉग तो आपको नहीं है ईएसपी से मिल जाएगा, ठीक है, ई क्लीन सेंड और ई क्लीन सेल आपको वैल्यू दे रखी होगी और आप नहीं है इसको नहीं है ऑफसेट वेल डाटा से निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये तीनों चीज मिल गई तो आप ई सेल बी सेल निकाल सकते हो, दैट इज डिग्री ऑफ सेलिनेस निकाल सकते हो, और आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। अगर बी सेल 0 है, मतलब ई क्लीन सेल 0 है, दैट इज जे 0 तो ये 0 तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई लॉग अप माइनस ई क्लीन सेल, तो ये 0 हो गए, सॉरी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल अपॉन ई क्लीन माइनस ई क्लीन सेल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और यहां पर यूज करेंगे तो ये सिंपली ई लॉग हो जाएगा और ये हो जाएगा ई क्लीन सेल, तो इससे ये फॉर्मूला सीधे आ जाएगा, ठीक है, जब आने ये क्लीन सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप इससे नहीं है बी सेल की परसेंटेज निकाल सकते हो, ई एस पी आपको नहीं है जो ई लॉग है वो ई एस पी ई लॉग आपको नहीं है ई एस पी के टूल से मिल ही जाएगा, ये आपको दे ही रखे होंगे आपने, ऑफसेट वेल डाटा से निकाल दो। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल परसेंटेज 100% आया तो वो आपकी हो जाएगी क्लीन सेल की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज सेल 0 आया तो वो हो जाएगी आपकी क्लीन सेंट की वैल्यू, क्योंकि
क्योंकि 100% सेल है मतलब क्लीन सेल है, 100% 0% सेल है मतलब क्लीन सेंड है, और 100 से 0 के बीच में आया तो वो आ जाएगी आपकी सेली सेंड की वैल्यू। ठीक है, तो आप इस एक तो आपने नहीं है बेड बाउंड्री बताई, दूसरी आपने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ सेल क्या है, डिग्री ऑफ सेलिनेस क्या है, तीसरा आपने बताया कि सेल फॉर्मेशन है कि सेंड फॉर्मेशन है कि सेली सेंड फॉर्मेशन है। तो आप नहीं है एसपी लॉग से लिथोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन भी बता सकते हो। तो तीन चीज हो गई, बेड बाउंड्री हो गई, वॉल्यूम ऑफ सेलिनेस हो गया और लिथोलॉजी हो गई। वॉल्यूम ऑफ सेलिनेस के लिए दो फॉर्मूले है, इन दोनों में अगर नहीं है आप क्लीन सेल की वैल्यू ई क्लीन सेल की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये सिंपली नहीं है ई लॉग हो जाएगा, ये ई क्लीन सेंड हो जाएगा, और इसमें रखते हो तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला यूज ना करो, आप यूज करो ये वाला, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आगे जितने भी लोग आएंगे उनमें जो फॉर्मूले डेरिवेट होंगे प्रॉपर्टी निकालने के लिए उसमें सब में यही वाले फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। दैट इज आपने ये पहले सेल निकाल लो, सेंड निकाल लो इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे ESP निकाला था, इन दोनों का अलग अलग ESP क्लीन सेल और क्लीन सेंड, ठीक है, और इनके वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिए। अगर ये बन है तो ये बी है तो ये बन माइनस बी, तो इससे नहीं है टोटल वैल्यू निकाल लो, वॉल्यूम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करके दोनों का वॉल्यूम फ्रैक्शन का अलग अलग मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके आप नहीं वैल्यू निकाल सकते हो। अगर यहाँ पोरोसिटी होती, ये पोरोसिटी होती क्लीन सेल की क्लीन सेल की, तो मैं पोरोसिटी लॉक से पोरोसिटी वैल्यू निकालता, उसको पोरोसिटी को इधर रख देता टोटल लॉक की वैल्यू, और इसके वॉल्यूम परसेंटेज से इसकी पोरोसिटी को मल्टीप्लाई कर देता प्लस इसके वॉल्यूम परसेंटेज से इसकी पोरोसिटी मल्टीप्लाई कर देता पोरोसिटी की वैल्यू आ जाती। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले को याद करते हो तो ये भी कर सकते हो। ये हो गया आपके जब क्लीन सेल की वैल्यू जीरो नहीं है, क्लीन सेल की वैल्यू जीरो नहीं है, अगर क्लीन सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा ई लॉग माइनस ई क्लीन सेंड अपॉन माइनस क्लीन सेंड, और इसको नहीं है हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई क्लीन सेंड माइनस ई लॉग अपॉन ई क्लीन सेंड माइनस ई क्लीन सेल, बस माइनस यहां से बाल ले लिया, माइनस यहां से बाल लिया, माइनस से माइनस कट गया। तो तीन चीज बता दी, बेड बाउंड्रीज, डिग्री ऑफ सेलिनेस और लिथोलॉजी, दैट इज अगर 100% प्रियंट है तो सेल, अगर नहीं है 0% प्रियंट है तो सेंड, और 0 to 100% प्रियंट है तो आपका हो जाएगा क्लीन सेलिसेंड। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी फोर्थ पॉइंट क्या निकाल सकते हैं इससे, फोर्थ पॉइंट क्या निकाल सकते हैं इससे, देखो हाँ ये पहले नहीं है इसको और समझ लो कि देखो अगर ई क्लीन सेल जीरो है तो ई पी एस पी की वैल्यू हो जाएगी ई लॉग ई एस पी, और ई एस एस पी की वैल्यू हो जाएगी ई क्लीन सेंड। अगर ई क्लीन सेंड सेल जीरो नहीं है तो ई पी एस पी की वैल्यू हो जाएगी ई लॉग माइनस ई क्लीन सेल, और ई एस एस पी की वैल्यू हो जाएगी ई क्लीन सेंड माइनस ई क्लीन सेल। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं इन दोनों फॉर्मूलों पे कि मेरे को एक कर्व दे रखा है कि ये हो गया सेली सेंड मतलब सेल बेस लाइन, और ये कर्व मेरे को इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है 70 इसकी ई, ये दे रखा है 70 और ये आपकी सेली सेंड की वैल्यू है, तो ये मतलब ई लॉक की वैल्यू है, क्योंकि नहीं है ये ना सेंड है ना सेल है, तो ये ई सेली सेंड है, और सेली सेंड की वैल्यू कहाँ से मिलता है ई लॉक से, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और ये हो गया ई क्लीन सेल जीरो, और ये हो गया ई 100 ई क्लीन सेंड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ई क्या निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ सेल निकाल लेते हैं, तो ई लॉक कितना है 70 माइनस क्लीन सेंड कितना है 100, वो कितना है 0, और ये कितना है 100, तो ये हो गया माइनस 30 अपॉन माइनस 100, तो ये हो गया 0.3 परसेंटेज में निकालूंगा, ये आ जाएगा 30%, मतलब 30% ऑफ वॉल्यूम सेल प्रेजेंट है इस फॉर्म में इस पॉइंट पर। ठीक है, तो
मैंने क्या कहा, e log हमको वैल्यू देगा इस पॉइंट की, ठीक है। तो ये e log की वैल्यू हो गई, मतलब सेलिसेंट की। अब सेलिसेंट में कितना आपका नहीं है, सेल पेयंट है, तो ये सारी वैल्यू रख के मैंने निकाला, तो 30% सेल पेयंट है। और देखो ग्राफ से भी देखो, अगर ये 100 है और जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, ये शिफ्ट होता जाएगा, ये 100 से हो गया 70, 70 हो गया, तो मतलब इसमें कितना सेल पेयंट था, 100 से 70 पे हो गया, तो कितना सेल पेयंट हो गया, 30। और 30 100%, 30 100 की कितनी वैल्यू है, 30%, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर सेल की वैल्यू 10 दे रखी होती, सेल की वैल्यू 10 दे रखी होती, तो आप क्या करते, ये कितना हो जाता, 30 अपॉन 90, 30 अपॉन 90, तो ये होता 1/3, तो मतलब 0.33 के समथिंग आता, और ये हो जाता 33%, ठीक है। तो क्लीन सेल की वैल्यू दे रखी थी, अब क्लीन सेल की वैल्यू ये आ गया इस फॉर्मूले से, 33%। अब पीएसपी और एसएसपी की फॉर्मूले से निकालते हैं, बी वन पीएसपी क्या हो जाएगा, लॉग माइनस क्लीन सेल, दैट इज 70 माइनस 60, 10 60 हो जाएगा। और ईपीएसएसपी क्या हो जाएगा कि क्लीन सेंड माइनस क्लीन सेल, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। 100 माइनस 70, 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये इसको करेंगे सॉल्व, ये आएगा 30 अपॉन 90, वही आ रहा है 0.33। तो आप दोनों फॉर्मूले से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर जीरो है तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर जीरो नहीं है तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो जीरो के लिए और जीरो के लिए, ठीक है। ये हो गया आपकी न्यूमेरिकल इस पे, ठीक है। और अब आप ग्राफ से कैसे पता लगाओगे, अगर ई क्लीन सेल की वैल्यू जीरो है तो आप डायरेक्टली ग्राफ से पता लगा सकते हो कि ये 100 है, ये जीरो है, और हमें ये पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 70, ठीक है। तो ये क्लीन सेलिसेंट की और सेलिसेंट की लॉग पे मिलती है, तो लॉग की वैल्यू दे रखी है 70। अब जितना जितना एक सेकंड, जितना हम इधर जाते जाते सेल बढ़ती जाती है, तो कितनी सेल बढ़ी, 100 से 70 हो गई, तो 30 सेल बढ़ी, 30 कितना परसेंट है, 100 का 30%, ठीक है। और अगर 10 परसेंट है तो हम क्या करेंगे, बाई डायरेक्ट ग्राफ से निकालने के लिए इस सेल लाइन को शिफ्ट कर देंगे। इस सेल लाइन को शिफ्ट कैसे करेंगे, कि जितनी वैल्यू ऑफ सेल है उसमें से उतनी सम में से घटा देंगे, जैसे 10 वैल्यू ऑफ सेल है तो 10 इसमें से घटा दिया, तो ये 0 हो गया, ये 60 हो गया, और ये हो गया 90, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, बाई डायरेक्ट ग्राफ से निकालने के लिए। तो कितना कम हुआ इस पॉइंट पर, 30, और 30 90 का कितना परसेंट है, 30 अपॉन 90, दैट इज 0.33, ठीक है। तो डायरेक्टली ग्राफ से नहीं, अगर आप जीरो दे रखा है तो निकाल ही सकते हो कि कितना शिफ्ट हुआ, 30, तो 30 कितना परसेंट है क्लीन सेंड का, 30%। और अगर नहीं है, 10 की वैल्यू दे रखी है, तो जितनी सेल की वैल्यू दे रखी है क्लीन सेल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, ठीक है, तो उतनी वैल्यू सब में से घटा दो, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, इसमें से जितनी वैल्यू उसमें से घटा दो, तो ये 0 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी। 90 से कितना कम हुआ, 30 कम हुआ, 90 से 30 कम होगा तभी तो 60 बनेगा, तो 30 कितना हो गया 90% का। तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मेन फॉर्मूला ये रखना, बाकी आप इससे भी निकाल सकते हो। बस याद रखना कि 0 है क्लीन सेल की वैल्यू, तब ईपीएसपी आपका नहीं है, ई लॉग हो जाएगा, और ईएसएसपी आपका ई क्लीन सेल हो जाएगा, नहीं है तो उसमें से आपको क्लीन सेल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और जो हमारे टूल पे जो वैल्यू मिलेगी ईएसपी की, दैट इज ईएसपी ई लॉग, वो हमेशा सेलिसेंट की मिलेगी, दैट इज इसके और इसके फॉर्मेशन के बीच में, तो इसके इसके फॉर्मेशन कोई वैल्यू दे रखी है तो वो ई लॉग की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बेड बाउंड्री मिल गई, वॉल्यूम ऑफ सेल मिल गया, और लिथोलॉजी पता पड़ गई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये आपको देता है, थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब तीन चीजें मिल गई, चौथा क्या है, आपको ये देता है रेजिस्टिविटी ऑफ वॉटर। देखो ईएसपी की वैल्यू हमको पता रहेगी, के की वैल्यू हमको पता रहेगी, 71 होती है ईएसपी की वैल्यू, हमने ये लॉग से निकाल लेंगे। मड फिल्ट्रेट हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, मड फिल्ट्रेट हम खुद डिजाइन कर रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी हमको पता ही रहेगी। तो क्या नहीं पता, आरडब्ल्यू नहीं पता, तो हम आरडब्ल्यू सारी वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ वॉटर पता कर सकती है। देखो एसपी लॉग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टूल है रेजिस्टिविटी ऑफ वॉटर इवॉल्व करने के लिए। क्वांटिटेटिव मतलब
ये आपको सेलिनिटी मतलब रेस्टिविटी ऑफ वाटर की वैल्यू भी देगा और बताएगा भी कि रेस्टिविटी ऑफ वाटर पेयेंट है कि नहीं। ठीक है, तो एसपी लॉग रेस्टिविटी के लिए क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताने के लिए और क्वालिटेटिव है भी कि नहीं वो बताने के लिए रिएक्ट है। ठीक है, और एक आपको बताएगा कि ये सेल फॉर्मेशन है कि नहीं है, सेल फॉर्मेशन है कि नहीं है वो कैसे बताएगा वो देखो। सेल फॉर्मेशन है कि नहीं वो कैसे बताएगा जी, देखो देखो अगर सेल फॉर्मेशन होगा तो कर्व चेंज होगा, अगर सेल फॉर्मेशन होगा तो कर्व इंक्रीजिंग होगा एसपी का, ठीक है, और फिर डिक्रीजिंग होगा। तो कर्व इंक्रीजिंग है तो आपका सेल प्रेजेंट है, अगर कर्व डिक्रीजिंग है तो आपका सेल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कर्व से एक तो हम पता लगा सकते हैं जब जो कर्व ये वाले हैं, ठीक है, और एक आपका वॉल्यूम ऑफ सेल पता लगा सकते हो कि अगर वॉल्यूम ऑफ सेल 100% है तो सेल प्रेजेंट है, 0 से ग्रेटर देन 100% तक प्रेजेंट है तो आपका सेल प्रेजेंट है, अगर बी सेल की वैल्यू 0% हो गई तो आपका सेल प्रेजेंट नहीं है। तो आपका ये सेल फॉर्मेशन को बताएगा और नॉन सेल फॉर्मेशन को बताएगा, और ये आपकी नहीं है रेस्टिविटी ऑफ वाटर को बताएगा। ठीक है, ठीक है, और अगर आपकी नहीं है, ठीक है, ये बताएगा। ठीक है, छठा पॉइंट क्या बताएगा, ये एप्लीकेशन क्या है छठे पॉइंट की, कि परमिएबल फॉर्मेशन है कि नहीं। ये हमने ये पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अगर नॉन परमिएबल फॉर्मेशन हुआ, नॉन परमिएबल फॉर्मेशन, तो इसकी एसपी की रीडिंग कितनी आएगी, 0, क्योंकि उनमें आयंस मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, एसपी वैल्यू जनरेट नहीं होगी। तो SP अगर जनरेट नहीं हो रहा तो आपका नॉन परमिएबल फॉर्मेशन है, अगर SP जनरेट हो रहा है तो आपका परमिएबल फॉर्मेशन है, अगर SP की वैल्यू बड़ी है तो आपका ज़्यादा परमिएबल फॉर्मेशन है, और SP की वैल्यू कम है तो आपका कम परमिएबल फॉर्मेशन है। तो परमिएबिलिटी के लिए SP टूल खाली क्वालिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल नहीं है, मतलब ये बताएगा परमिएबल फॉर्मेशन है कि नहीं, पर ये नहीं बताएगा कि कितना है, कितना परमिएबल है कितना नॉन परमिएबल है। देखो मैंने कह दिया एसपी की वैल्यू 0 आए तो नॉन परमिएबल फॉर्मेशन, ये तब है जब अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एसपी की वैल्यू 0 आती है, अगर वो फैक्टर पेयेंट नहीं है, जैसे आरएमएफ अपॉन आरडब्ल्यू की वैल्यू बराबर हो जाए तो 0 वो आती है एसपी की वैल्यू 0, अगर सेंट और सेल में से कोई एक पेयेंट है तो 0 वैल्यू आती है, अगर सेंड सेल बाउंड्री पर आप नहीं है नहीं निकालते तो आपकी एसपी की वैल्यू 0 आती है। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया वहां पर प्रेजेंट ना हो, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया वहां पर प्रेजेंट ना हो और एसपी की वैल्यू फिर भी 0 आ रही है तो आप कह सकते हैं नॉन परमिएबल फॉर्मेशन है, अदरवाइज आपका अगर एसपी की वैल्यू आ रही हो तो परमिएबल फॉर्मेशन है। ठीक है, अब एसपी की वैल्यू बढ़ रही है और कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है और कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है तो ज्यादा परमिएबल फॉर्मेशन, कम बढ़ रही है तो कम परमिएबल फॉर्मेशन है, बाय कंसीडरिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, मतलब एसपी की वैल्यू और कब बढ़ती है, जब आरएमएफ ग्रेटर देन आरडब्ल्यू होता है बाय फॉर्मूले से, ठीक है, तो ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये सब चीजें जब कॉन्स्टेंट है तब एसपी की वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है तो परमिएबल फॉर्मेशन, और कम बढ़ रही है तो नॉन परमिएबल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी परमिएबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन बताता है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि परमिएबिलिटी और लिथोलॉजी लॉग में आता है स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल लॉग, इसको हम क्लासिफाई कैसे किया था टूल्स को, लॉग टूल्स को, कि ये क्या वैल्यू निकाल के देते हैं, तो एसपी लॉग से हमें लिथोलॉजी मिल गई कि सेल है कि सैंड है कि सेली सैंड है, और परमिएबिलिटी भी मिल गई, पर ये क्वांटिटेटिव टूल नहीं है परमिएबिलिटी के लिए, क्वालिटेटिव टूल है, बताएगा बस। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एप्लीकेशन खत्म। ठीक है, अब है फैक्टर अफेक्टिंग एसपी लॉग, मतलब कौन से फैक्टर नहीं है एसपी लॉग को अफेक्ट करेंगे, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग एसपी लॉग। तो इसमें देखो अगर ऑयल बेस्ड मड हुआ तो आपका एसपी लॉग नहीं आएगा, ये मैं बता चुका हूं कि एसपी लॉग की कंडक्टिविटी 0 होती है,
कंडक्टिविटी इसकी जीरो होती है तो आयंस मूव नहीं करेंगे, आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा तो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा तो आपका नहीं है पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सेली फॉर्मेशन विल रिड्यूस द मेजर वैल्यू ऑफ एस पी, सही है, सेली फॉर्मेशन जितना ज्यादा होता जाएगा आपकी नहीं है जो वैल्यू है वो सेल बेस लाइन की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, तो एस पी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन विल रिड्यूस द एस पी मेजरमेंट। अब ये कैसे है ये देखो, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये देखो देखो हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो हाइड्रोकार्बन की जो आयंस होते हैं वो फॉर्मेशन में जो वाटर प्रेजेंट होता है उससे कम होते हैं, ठीक है, उससे कम होते हैं, मतलब कहने का ये सोचो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोकार्बन की कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी कम होती है तो आयंस कम मूव होंगे, आयंस कम मूव होंगे तो कल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कम होगी और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कम होती है एसपी की वैल्यू घटी जाएगी। सेकंड ये है, तो एक तो हो गया है पहला पॉइंट, इसका कंडक्टिव मीडियम नहीं है, कम कंडक्टिव मीडियम। सेकंड, अगर हाइड्रोकार्बन का सेचुरेशन बढ़ेगा तो फॉर्मेशन वाटर का सेचुरेशन घटेगा, ठीक है, अगर फॉर्मेशन वाटर का सेचुरेशन घटा तो फॉर्मेशन वाटर में आयंस ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं बजाय हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कम है और फॉर्मेशन वाटर में ज्यादा है तो हाइड्रोकार्बन के सेचुरेशन बढ़ने से इसका सेचुरेशन बढ़ गया मतलब कम घट गया, तो सेचुरेशन घट गया तो आयंस घट गए, आयंस घट गए तो आयंस कम फ्लो करेंगे, कम फ्लो करेंगे तो कम करंट जनरेट होगी, कम करंट जनरेट होगी तो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन से आपका एसपी की वैल्यू घट जाती है। फिर आती है आपकी फोर्थ, जब आपकी अनबैलेंस मड कॉलम हो, अनबैलेंस मतलब ओवर बैलेंस ड्रिलिंग हो रही हो, डिफरेंशियल प्रेशर 500 पीएसआई ज्यादा हो, 500 पीएसआई से ज्यादा हो और डिप्लीटेड रिजर्वायर हो, तब आपका नहीं है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट इज काइनेटिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, और जब काइनेटिक पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो आपकी एसपी की वैल्यू को चेंज कर देगा, दैट ऑगमेंट द एसपी वैल्यू, ठीक है। काइनेटिक पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, जब नहीं है उस पर नहीं है सॉल्यूशन पे ड्रिलिंग मड पे फोर्स लगता है, फोर्स क्यों लगेगा, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हुआ हाइड्रो फॉर्मेशन प्रेशर से, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा फॉर्मेशन प्रेशर से तब फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फॉर्मेशन प्रेशर से कब ज्यादा होगा, जब आपका नहीं है डिप्लीटेड रिजर्वायर होगा या फिर आपका नहीं है ओवरवेलेंट ड्रिलिंग हो रही होगी, मतलब ओवरवेलेंट ड्रिलिंग मतलब प्री हाइड्रोस्टेटिक ग्रेटर देन प्री फॉर्मेशन, जब नहीं है ऐसी ड्रिलिंग हो रही होगी और आपके नहीं है डिप्लीटेड रिजर्वायर होगा और आपके नहीं है डिफरेंशियल प्रेशर डेल्टा पी ग्रेटर देन 500 होगा, ठीक है, तो आपकी तब काइनेटिक पोटेंशियल जनरेट होगा और उससे नहीं है एसपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आरएमएफ अपॉन आरडब्ल्यू रेशियो ऑन एसपी, जैसे फॉर्मूला होता है माइनस के ईएसपी का, फॉर्मूला होता है माइनस के, ठीक है, माइनस के लॉग आरएमएफ अपॉन आरडब्ल्यू, ठीक है। अब इसका रेशियो आ गया पॉजिटिव, मतलब आरएमएफ ज्यादा है तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, अगर इसका वैल्यू रेशियो आ गया लेस देन वन तो मतलब आर डब्ल्यू जाता है आर एम एफ से तो ये इसकी वैल्यू पूरे की हो जाएगी नेगेटिव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, तो एस पी वैल्यू चेंज हो रही है आपकी आर एम एफ अपन आर डब्ल्यू के रेशियो से, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये हो गया जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है एस पी की वैल्यू को, ठीक है, इसमें जनरली एस पी का चार्ज चेंज होता है। सिक्स जो आता है उसमें जो फैक्टर्स नहीं है एस पी को चेंज करते हैं उसमें चार फैक्टर्स हैं, दैट इज आपकी नहीं है बेड थिकनेस क्या है, मतलब जो सैंड बेड है सेल बेड के बीच में उसकी थिकनेस क्या है। सेकंड, आपकी बेड की रेजिस्टिविटी क्या है, इस बेड की रेजिस्टिविटी क्या है, इस बेड की रेजिस्टिविटी क्या है, उस पर एस पी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। थर्ड, आपकी बोर होल की डायमीटर क्या है, ये बोर होल है ये इसकी डायमीटर क्या है, ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और मड इन्वेजन कितना हो रहा है, मतलब जो फ्लूड इसके अंदर घुस गया उसकी वजह से एस पी की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो हम बात करेंगे, तो वो हम आज बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा टूल है, देखो बेलबोर सेल सैंड सेल माई टूल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये आपका बोल्ट मीटर, ये आपके लिए इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, ये सरफेस होगी, ठीक है, करंट यहां से यू फ्लो होगा तो यहाँ पर आई करंट मेजर होगा, आई करंट मेजर हो गया,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पीएसपी, पोटेंशियल बराबर फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस मड़ क्या किसका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मड़ प्रेजेंट है तो मड़ का रेजिस्टेंस होगा, तो ईएसपी की वैल्यू तो ये आ गई। साथ ही साथ अगर मैं ईएसएसपी की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी आपकी आई करेंट इंटू रेजिस्टिविटी ऑफ मड, रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड और रेजिस्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, तो दो फॉर्मूले यहां से आ गए। अब देखो पहला केस हम मान के चलते हैं कि आपकी नहीं है आपकी बेड थिकनेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेड थिकनेस। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया वहां से। ठीक है, ईएसपी का आ गया, ईएसएसपी का आ गया। अब बेड इफेक्ट से क्या, बेड थिकनेस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेड थिकनेस बढ़ेगी, दैट इज सेल इतना हो गया, सेंड इतना हो गया और सेल इतना हो गया, तो बेड थिकनेस बढ़ गई। तो मेरा टूल जब मैं डालूंगा यहां पे तो ये खाली नहीं है, मेरे को सेंड, तो देखो यहां पर जो रेजिस्टिविटी ऑफ सेल है वो नेग्लिजिबल हो गई। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड ये भी नेग्लिजिबल हो गई। ठीक है, भले ही सेल सेंड यहां प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू भी नेग्लिजिबल हो गई, तो बची क्या, आर मड। ठीक है, कि मैं बेड थिकनेस की बात कर रहा हूँ, बेड थिकनेस बढ़ जाएगी तो आपकी सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड भी जीरो हो जाएगी, तो बची क्या, आई आर एम। ठीक है, तो आई क्या है, आई आपका आई अपॉन आर एम, वो सॉरी ये आई इजिकल टू ई एस पी होता है, सॉरी करंट बराबर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए तो नहीं है, ई एस एस पी की वैल्यू आई इंटू रेजिस्टिविटी आई है, आई इंटू रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गई ई एस एस ई एस पी अपॉन आर एम अपॉन इंटू आर एम, तो आर एम से आर एम कट गया। तो जब आपका ओनली बेड थिकनेस बढ़ गई तो आपका जो एस पी लॉग है वो क्या मेजर कर रहा है, खाली वो मेजर कर रहा है खाली आपका सेंड फॉर्मेशन, वो आपका खाली मेजर कर रहा है सेंड फॉर्मेशन। तो ठीक है, क्लीन सेंड फॉर्मेशन, तो जब क्लीन सेंड फॉर्मेशन होता है तो यहां से क्या आया, क्लीन सेंड फॉर्मेशन होता है कि ई एस एस पी बराबर ई एस पी, जो कि होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर क्लीन सेंड की निकाल रहे हैं तो ई एस एस पी बराबर ई क्लीन ई एस एस पी बराबर ई एस पी होता है, और ई एस एस पी की वैल्यू हो जाती है ई क्लीन सेंड। ठीक है, तो जब आपकी बेड की थिकनेस बढ़ जाती है तो आपकी ई एस एस पी की वैल्यू क्या आती है, ई एस पी की वैल्यू क्या आती है, ई एस एस पी, दैट इज क्लीन सेंड पेंट होता है, तो ई एस पी की वैल्यू क्या हो गई, ई एस एस पी। तो बेड थिकनेस इंक्रीज होने से आपकी नहीं है सेल की, तो वैसे कट गई सेंड की यहां से कट गई, तो रेजिस्टिविटी कट गई, ई एस पी क्या आ गया, ई एस एस पी, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपकी बेड थिकनेस बढ़ने से ई एस पी बढ़ गया, तो ये मैक्सिमम होती है, ई एस पी क्या आया है, ई एस एस पी, तो यह ई एस एस पी मैक्सिमम होती है, तो बेड थिकनेस बढ़ने से आपकी ई एस पी की वैल्यू बढ़ गई, वही तो देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एस पी। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका सेकेंड है आपका बेड की रेस्टिविटी, तो दो फॉर्मूले थे, आई इजकल टू ई एस पी अपॉन रेस्टिविटी ऑफ मड, और ई एस एस पी इजकल टू आई रेस्टिविटी ऑफ मड, रेस्टिविटी ऑफ सेल, रेस्टिविटी ऑफ सेंड। ठीक है, अब देखो बेड की रेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, बेड की रेस्टिविटी बढ़ेगी मतलब सेल की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, सेल भी एक बेड है, सेंड की रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है, ये कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, अब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल ये बढ़ रहा है, तो और ये कांस्टेंट है तो इसको कम होना पड़ेगा, आई को कम होना पड़ेगा, आई क्या है, ई एस पी अपॉन आर एम। ठीक है, आर एम की तो हम बात ही नहीं कर रहे रेजिस्टिविटी ऑफ मड़ की, हम तो रेजिस्टिविटी ऑफ बेड की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेल बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है,
तो ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, मतलब ईएसपी डिक्रीज हो जाएगा। तो बेड की रेजिस्टिविटी बढ़ने से ईएसपी डिक्रीज होता है। कैसे? फॉर्मूला ये, इसकी वैल्यू ये है यहाँ से। अब देखो रेजिस्टिविटी ऑफ सेल बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी ऑफ सेंट बढ़ेगी, मतलब बेड की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, तो ये बढ़ेगी तो इसको कम होना पड़ेगा कॉन्स्टेंट होने के लिए। तो मतलब ये इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो एस पी को कम होना पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ बेड बढ़ने से आपकी एस पी वैल्यू कम हो जाएगी, और बेड थिकनेस बढ़ने से एस पी वैल्यू मैक्सिमम हो रही थी, डेट इज ई एस एस पी। ठीक है, थर्ड केस आता है आपका, थर्ड केस आता है आपका बोअर होल डायमीटर, बोअर होल डाया। अब देखो मेरा बोअर होल है, ठीक है, और इसकी डायमीटर ये है, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखा था फर्स्ट वाले केस में कि जब सैंड की नहीं है, वेल सैंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसकी रेजिस्टिविटी को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। तो यहां पर मड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, पहले के कंपेरिजन में मड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो मड की रेजिस्टिविटी को मैं कर दूंगा नेगलेक्ट, मतलब कम कर दूंगा। तो देखो मड की रेजिस्टिविटी, देखो सैंड वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो सैंड की रेजिस्टिविटी को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, और सेल तो प्रेजेंट थी नहीं तो उसको वैसे ही नेगलेक्ट कर दिया, तो दोनों वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया था, तो उससे मैंने ई एस पी की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पे नहीं है, बोरहोल डायमीटर बढ़ गई, बोरहोल डायमीटर बढ़ गई, ठीक है। तो ये वही केस हो गया कि नहीं पहले कम थी अब ज्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मड को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा या फिर छोटा कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई एस एस पी बराबर ई एस पी बराबर रेजिस्टिविटी ऑफ मड, रेजिस्टिविटी ऑफ सेल, रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ मड। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मड से रेजिस्टिविटी ऑफ मड कट गई, तो ये बचा वन, यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ मड नीचे आ गई। अब रेजिस्टिविटी ऑफ मड कम हो रही है तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये कॉन्स्टेंट है जिसको डिक्रीज होना पड़ेगा। तो मतलब ओवरऑल की डायमीटर बढ़ने से आपकी ई एस पी की वैल्यू को कम होना पड़ेगा। कैसे? ई एस एस सी के इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, आई की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पर ये उठा के रख दी, आर एम से आर एम कट गया, बन आ गया, तो आर एम नीचे अब नहीं है, जैसे नहीं है, पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब मड ज्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया। जैसे ही सेंड में नहीं है, सेंड ज्यादा हो गया था, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो रेजिस्टिविटी ऑफ सेंड को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, और सेल तो था ही नहीं तो उसको वैसे नेगलेक्ट कर दिया था। तो ये तो बन हो गया, अब ये रेजिस्टिविटी ऑफ मड कम हो गई, अब नहीं ये ज्यादा हो गया तो रेजिस्टिविटी ऑफ नेगलेक्ट होगी, मतलब कम होगी। तो कम मैंने किया, नेगलेक्ट मतलब कम होगी, तो कम मैंने जब किया तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। हम नीचे वाली क्वांटिटी को घटाते हैं ऊपर वाली, मतलब तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाती है, जब बढ़ेगी तो इसको कम होना पड़ेगा क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो ईएसपी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ठीक है, फोर्थ केस है आपका मड इन्वेजन। ठीक है, तो मड इन्वेजन क्या है? देखो मेरा नहीं है बेल बोर है ऐसा, और ये आपके फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसमें मड इन्वेड होने लग गई, तो अब देखो पहले ये यहां पर ही मड इन्वेड प्रेजेंट थी, अब मड यहां पर भी प्रेजेंट होने लग गई, तो एक तरीके से ये वर्चुअल बाउंड्री हो गई, वर्चुअल बाउंड्री, और यहां पर आपकी दोनों तरफ मड प्रेजेंट है। तो पहले बेलवोर क्या था ये, अब बेलवोर क्या है? तो मैं कह सकता हूं बेलवोर डायमीटर बढ़ गई, और जब बेलवोर की डायमीटर बढ़ जाती है, तो इससे जस्ट पहला केस देखा था, तो ई एस पी की वैल्यू घट जाती है। तो जब मड इन्वेजन होगा तो आपकी ई एस पी की वैल्यू घटेगी, वोल्ट डायमीटर बढ़ेगी तो ई एस पी की वैल्यू घटेगी, बेड की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी ई एस पी की वैल्यू घटेगी, बेड की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ई एस पी की वैल्यू घटेगी, और जब नहीं है आपका बेड थिकनेस बढ़ जाएगी तो ई एस पी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, दैट इज ई एस एस पी। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स जिन पर नहीं है डिपेंड करता है एस पी की वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस पी एबनॉर्मलिटी, तीन एबनॉर्मलिटी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तीन वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। ठीक है,
देखो पहले देखते हैं सेल बेस लाइन शिफ्टिंग, ठीक है, सेल बेस लाइन शिफ्टिंग ये वाला कर्व देखो। देखो पहले सेल की वैल्यू ये थी, ठीक है, अब सेल की वैल्यू ये हो गई, ये क्यों हो गई, कुछ सेल में कुछ अमाउंट में सेंड मिल गया, तो सेल में जब कुछ अमाउंट में सेंड मिल जाएगा तो इसकी ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नई सेल बेस लाइन आ जाएगी। तो ये सेल बेस लाइन की शिफ्टिंग क्यों होती है, जब नहीं है सेंड मिल जाता है, तो देखो तो ये आपकी सेल बेस लाइन की शिफ्टिंग हो गई यही, तो जब सेल बेस लाइन की शिफ्टिंग हुई तो एसपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एसपी की कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे एसपी की कुछ और वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल बेस शिफ्टिंग ड्यू टू इम्परमेबल कैटायनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यू टू इम्परमेबल कैटायनिक मेम्ब्रेन। हम जानते हैं सेल खाली Na प्लस आयंस को मूव करता है, तो जब Na प्लस आयंस को मूव करेगा तो इसके मेम्ब्रेन जो होगी वो Na प्लस आयंस की होगी, ठीक है, Na प्लस आयंस की होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये परफेक्ट Na प्लस आयंस की मेम्ब्रेन है तो ये क्लीन सेल है। अगर इम्परफेक्ट आयंस से इम्परफेक्ट कैटायनिक मेम्ब्रेन होगी, मतलब इसमें आपका Na प्लस के साथ Cl माइनस भी प्रेजेंट होगा, और Na प्लस और Cl माइनस कहाँ पर मूव होते हैं, वो होते हैं आपकी सेंड में, मतलब सेल के साथ आपकी सेंड भी प्रेजेंट है, सेल के साथ आपकी सेंड भी प्रेजेंट है। तो सेल बेस लाइन होगी वो शिफ्ट हो जाएगी ड्यू टू सेल के साथ आपकी सेंड प्रेजेंट है, ड्यू टू इम्परफेक्ट कैटायनिक मेम्ब्रेन। इम्परफेक्ट कैटायनिक मेम्ब्रेन अगर एनी एनी होता तो परफेक्ट होती, और इम्परफेक्ट है तो ये हो गया। तो सेल बेस लाइन शिफ्टिंग कैसे होगी, जब सेल में नहीं है आपकी सेंड मिक्स हो जाएगी तो सेल बेस लाइन की शिफ्टिंग हो जाएगी, और इसको बोलेंगे सेल बेस शिफ्टिंग ड्यू टू इम्परमेबल कैटायनिक मेम्ब्रेन। कैटायनिक मेम्ब्रेन क्योंकि ये कैटायन को मूव करता है Na प्लस को, तो इसकी कैटायन मेम्ब्रेन होगी, और इम्परफेक्ट कैटायन मेम्ब्रेन मतलब सीएल पेंट है, और एन सीएल कहां पर पेंट मूव करते हैं सेंड में, तो यहां पर सेल के साथ सेंड पेंट सेल बेस लाइन शिफ्ट हो जाएगी। सेकंड आता है आपका हाइड्रोकार्बन इफेक्ट। हाइड्रोकार्बन इफेक्ट की वजह से हम जानते हैं कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी घट जाती है, तो आपकी एसपी लॉक की वैल्यू घट जाएगी। अब हमें अगर हाइड्रोकार्बन पेंट रहेगा तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि एसपी लॉक की वैल्यू क्यों घटी है, सेल की वजह से घटी है या फिर हाइड्रोकार्बन की वजह से घटी है। तो जब हाइड्रोकार्बन इफेक्ट प्रेजेंट होगा तो आप वॉल्यूम ऑफ सेल और सेंड नहीं बता सकते, ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक सेकंड, कि आप वॉल्यूम ऑफ सेल सेंड नहीं बता सकते, ठीक है, तो आप ईएसपी की वैल्यू भी नहीं बता सकते, ठीक है, मतलब ईएसपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है वो आप नहीं बता सकते। थर्ड आएगा आपका इन्वेजन इफेक्ट। इन्वेजन इफेक्ट देख लो ये है, ठीक है, इन्वेजन इफेक्ट कुछ इस तरीके से है, इसको मैं इधर से समझाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ देखना, ये वाला देखो, इन्वेजन क्या हुआ कि मेरा जो ड्रिलिंग मड है, जो ड्रिलिंग मड है वो आपका चला गया फॉर्मेशन में, ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेजन। जब ड्रिलिंग मड इसमें गया तो जो सेलिनिटी होती है वो नहीं है वाटर इसकी ज्यादा होती है मड की जनरली, वो सॉरी फॉर्मेशन वाटर की, तो मतलब सेलिनिटी जो होती है वो फॉर्मेशन वाटर की ज्यादा होती है बजाय कंपोनेंट टू मल्टीफिल्ट्रेट। तो देखो सेलिनिटी इसकी ज्यादा है, सेलिनिटी इसकी ज्यादा मतलब Na प्लस Cl आयंस इसमें ज्यादा है जो कि सॉलिड होता है। अब इसमें सॉलिड ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि कम डेंसिटी है तो ये ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, वही ये कर रहा है, ठीक है, यहां से देखो ये ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये मड फिल्टरेड है ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, वही ये कर रहा है क्योंकि डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी क्यों कम है ये मैंने बता दिया। अब जो जब सेल आएगी तो ये उससे तो पार हो नहीं पाएगा,
ये यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये कैसे हो गया कि सेल बेस सेल बाउंड्री आएगी, उसके नीचे आपका मैक्सिमम मड फिल्ट्रेट मिलेगा और सेल बेस बाउंड्री के ऊपर आपको मिनिमम मड फिल्ट्रेट मिलेगा। दोनों ही सेल बेस बाउंड्री है, तो नीचे तो मिल रहा है, ये सेल बेस बाउंड्री के नीचे ही तो है, तो नीचे तो मिल रहा है मैक्सिमम फिल्ट्रेट और ऊपर मिल रहा है मैक्सिमम मिनिमम फिल्ट्रेट। तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन मड फिल्ट्रेट एंड दिस, इसने ऐसी शेप बना ली, मतलब ऊपर की साइड बढ़ती चली गई। ठीक है, इस मड फिल्ट्रेट के कारण आपकी एसपी की वैल्यू घट जाएगी। देखो एसपी की वैल्यू यहाँ पर कम है, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर नहीं है, फिर कम हो गई। ठीक है, क्योंकि सेल आ गया, फिर नहीं, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसके कारण आपकी एसपी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों हो जाएगी? एक तो मड इन्वेंशन में मैंने बताया था, मड इन्वेंशन के कारण बोर होल की डायमीटर फैली जाती है, अब ये हो गई, और बोर होल की डायमीटर बढ़ जाती है तो यूएसपी की वैल्यू घट जाती है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरी, रेजिस्टिविटी ऑफ मड फिल्ट्रेट ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ वाटर से, मतलब सेलिनिटी इसकी कम है, वही हमने देखा था। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट का डिस्टोर्शन ज्यादा होगा, करंट का डिस्टोर्शन ज्यादा होगा तो ईएसपी की वैल्यू भी घट जाएगी। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो कि ईएसपी की वैल्यू क्यों घट रही है, और ये इसके लिए शेप क्यों ऐसी हो रही है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर से जो ऊपर मूव करेगा ये नीचे मूव करेगा, यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि सेल बेस बाउंड्री है, तो सेल बेस बाउंड्री के नीचे ज्यादा है मड फिल्ट्रेट और ऊपर कम है। ठीक है, अब ये कब प्रियंट होगा? तो ये जो प्रोफाइल बनती है ना, ये वाली, ये तूत की तरह होती है, इस प्रोफाइल को बोलते हैं सो टूथ प्रोफाइल। ठीक है, सो टूथ प्रोफाइल। सो टूथ प्रोफाइल तो एक तो नहीं है, मड फिल्ट्रेट इन्वेंशन के कारण इसकी बनेगी सो टूथ प्रोफाइल, ईएसपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी मड इन्वेंशन के कारण। सेकंड, थर्ड आपकी नहीं है, ये कब हो सकता है? जब आपकी वर्टिकल परमेबिलिटी प्रेजेंट हो। तो तीन हो गए, ईएसपी की वैल्यू डिक्रीज होगी इसके कारण, सो टूथ प्रोफाइल बनेगी, और ये कहां पर प्रेजेंट होगा? जब आपकी वर्टिकल परमेबिलिटी हो, तभी तो नहीं आपका मड फिल्ट्रेट ऊपर की साइड मूव कर पाएगा वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकल परमेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो इन्वेशन के कारण कैसे एसपी की वैल्यू कम हो रही है वो मैंने बता दिया, एसपी की वैल्यू कम हो जाएगी, शॉर्ट रूट प्रोफाइल आई, परमिटिविटी हो जाएगी। यहाँ पर आपका एसपी लॉग खत्म हो गया। ठीक है, तो एसपी लॉग में हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। बेल लॉगिंग क्या होती है वो पढ़ लिया, स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल क्या होती है, किसके कारण होती है, कैसे मेजर करते हैं, किस इसकी यूनिट क्या होती है, किस 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 ऑयल बेस्ड मड में नहीं होती, वाटर बेस्ड मड में होती है। ठीक है, एसएसपी क्या होती है, पीएसपी क्या होती है, एसएसपी क्या होती है, सोर्स ऑफ एसपी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ये भी दो तरीके का होता है, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, और इसकी नहीं है, हमने वो देख लिया, आरएम अपन आरडब्ल्यू का मतलब कैसे डिपेंड करता है, हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पढ़ लिया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, कैसे बेड बाउंड्री बताता है, हमने इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल पढ़ लिया डिटेल में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपके एप्लीकेशंस पढ़े थे, ठीक है, फिर हमने पढ़े थे एप्लीकेशंस पढ़े थे, इसमें चार दे रखे हैं, मैंने छह पढ़ा दिए। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमने पढ़ लिए डिटेल में। फिर हमने इसकी नहीं है एसपी की एबनॉर्मेलिटी पढ़ ली, तीनों एक एक करके हमने इनकी एबनॉर्मेलिटी पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसपी लॉग कंप्लीट हो गया, उसमें जो जो चीज थी मैंने आपको सारी चीज बता दी। ठीक है, फिर आपका नहीं है इस पे बचते हैं न्यूमेरिकल, तो कल हम करेंगे गेट के न्यूमेरिकल्स प्लस इसके नहीं है नॉर्मल न्यूमेरिकल्स जो नहीं बुक्स के होते हैं, और साथ में यूज सेकेंड टूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज आपका नहीं है स्पॉन्टेनियस लॉग हो गया, फिर आपका गामा रे शुरू करेंगे और एसपी लॉग के न्यूमेरिकल करेंगे, तो एसपी लॉग आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू।